आपका स्वागत है कलांजलि में। और अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे शख्स से जो दिल से गायक हैं और दिमाग से चिकित्सक। डॉक्टर समीर शर्मा पेशे से दंत चिकित्सक हैं, लेकिन गायन में भी अपनी पहचान रखते हैं। पुराने फिल्मी गाने वाले डॉक्टर समीर शर्मा समाज सेवा से भी जुड़े हैं। डॉक्टर समीर शर्मा से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी चांद मोहम्मद ने। पेश है डॉक्टर समीर शर्मा से खास बातचीत। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में हैं एक ऐसे शख्स जो कई खूबियों के मालिक हैं, डॉक्टर समीर शर्मा। डॉक्टर समीर शर्मा पेशे से दंत चिकित्सक हैं और एक अच्छे गायक भी, ये समाज सेवा भी करते हैं। आज डॉक्टर समीर शर्मा से बात करेंगे हम खासतौर पे इनके गायन के बारे में, साथ ही इनकी चिकित्सा सेवा और समाज सेवा से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। समीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। आप दंत चिकित्सक भी हैं और एक गायक भी, दोनों जो भूमिकाएं आप निभा रहे हैं, दोनों भूमिकाओं को किस तरह बखूबी अंजाम दे रहे हैं? देखिए, दंत चिकित्सक का तो मेरा प्रोफेशन है ही, और उसमें जो है मैं करीब ऑलमोस्ट मुझे अब 21 साल हो गए इस पेशे में जी, और मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। साथ ही जो सिंगिंग है वो मेरा पैशन है बचपन से जी। मैं बचपन से ही गायक बनना चाहता था। तो जब आपका पैशन होता है और आप जब उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो समय अपने बखूबी अपने आप निकल जाता है जी। तो दोनों ही चीजों का तालमेल हम पिछले कुछ वर्ष से अच्छे से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जी, और उसमें हमें सफलता मिली है जी। आप बाई चांस क्या बने, डॉक्टर या गायक? जी, बनना तो गायक ही चाहता था, लेकिन जैसा कि पहले के जमाने में होता था जी, कि पिताजी की इच्छा थी कि पहले कुछ ऐसा करना है कि जिसमें उनको उनका नाम हमेशा ऊंचा रहे, और उसके बाद ही इस लाइन में जाना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन होता है जी। तो इसलिए डॉक्टरी की तरफ मुड़ गए और डॉक्टर बन गए। लेकिन मैंने फिर अपने शौक को बरकरार रखा और उसके बाद में अपनी गायकी को भी मैंने अंजाम दिया, उसको भी मैं कंटिन्यू कर। आपके मन के करीब जो पेशा है वो कौन सा वाला है? एक चिकित्सक के रूप में आप बढ़िया और बेहतर और दिल से जुड़ पाते हैं, या एक गायक के रूप में? देखिए, चिकित्सक होना एक बिल्कुल वो मन के करीब और दिल के करीब दोनों ही है, क्योंकि वो एक मेरी ड्यूटी है और समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है और उसको मुझे अच्छे से निभाना है। लेकिन हाँ, जहां तक बात यह है कि एक मुझे दिली खुशी जो सबसे ज्यादा मिलती है वो तब मिलती है जब मैं स्टेज पर गाता हूँ या कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस देता हूँ और लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उनको मेरा गाना अच्छा लगता है, उस वक्त जो खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। जी, आपने गाना कब और किस तरह शुरू किया? जी, बचपन से ही। एक्चुअली मेरी जो मदर हैं वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी और उनको भी शौक था, तो बस शायद उन्हीं से मेरे अंदर ये जीन्स आए और बचपन से ही मैं गा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 4-5 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया जी जी। और उसके बाद में मैंने स्कूल कॉलेज में कई बार बेस्ट सिंगर के प्राइज जीते जी जी, कंपटीशंस में हिस्सा लिया, और उसके बाद में जर्नी कंटिन्यूड है जी जी। पहला आपका स्टेज शो स्कूल कॉलेज में रहा या फिर बाद में आपने किया? पहला जो इनफैक्ट स्टेज शो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ स्टेज प्रेजेंस जो थी जी जी, वो मेरी स्कूल में थी, और उसके बाद में जो डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी, माय फादर वाज अ जनरल सर्जन, तो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में जहाँ भी कहीं पर कोई इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे वहाँ मैं हमेशा परफॉर्म करता था जी। वहाँ मुझे प्रोत्साहन मिलता था, मेरे को काफ़ी लोगों की जब तालियां मिलती थी तो वो लोग मेरे फादर से कहते थे कि ही कैन बिकम ए गुड सिंगर, तो वहाँ से चलते चलते, और फिर उसके बाद में इंटर कॉलेज कंपटीशन के अंदर पहली बार मुझे बड़ा स्टेज मिला जहां मैंने बेस्ट मेल सिंगर प्राइज जीता। उसके बाद तो मैं काफी स्टेजेस पर गा चुका हूं और अब हम स्टेज शो भी कर रहे हैं जी जी। आपने बताया कि आप स्टेज शो भी कर रहे हैं, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा करके आपका शो है जी, आपने जयपुर में कई शो किए हैं उसके जी, उसके बारे में कुछ बताएं किस तरह उसका रिस्पॉन्स रहा, किस तरह उसमें अपनी परफॉर्मेंस देते हैं? बिल्कुल जी, जब काफी समय से जब वापस से गाना शुरू किया तो जब लोगों से काफी उसकी प्रशंसा मिली तो सबका कहना था कि भाई, एक कुछ जो मित्र थे खास, उन्होंने कहा कि भाई अपना खुद का एक आपको शो करना चाहिए, तो वहां से शुरुआत हुई। 2014 में हमने पहला शो किया था गोल्डन एरा के नाम से, और फिर उसको जो रेस्पॉन्स मिला वो इतना अच्छा था कि उसके बाद प्रतिवर्ष हम इसको कर रहे हैं। आज की तारीख में सभी के सहयोग से, मीडिया का भी बहुत धन्यवाद चाहूंगा, उनका भी बहुत सहयोग मिला, सभी के सहयोग से आज ये जयपुर का बहुत फेमस शो बन चुका है, और अभी हम इस साल 5वां शो गोल्डन एरा का करेंगे जी जी जी। अब तक 4 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, 5वां हम करेंगे, और आगे भी भगवान ने चाहा तो शो होते रहेंगे हमारे। किस तरह के गाने आप गाते हैं? लाइट म्यूजिक
लाइट म्यूज़िक में ज़्यादा करके फिल्मी म्यूज़िक जो बॉलीवुड का म्यूज़िक है, और उसमें जो मेरी अपनी चाहत है वो पुराने गानों की, रिट्रो सॉन्ग्स की ज़्यादा है. लेकिन वैसे कोई जोनर फिक्स नहीं है. आई कैन सिंग एनी टाइप ऑफ सॉन्ग. उसमें नए भी शामिल हैं, पुराने भी शामिल हैं, गज़ल भजन सभी कुछ गाते हैं. जी जी जी. कोई ऐसा गाना जो इस मौके पर, इस खास मौके पर आप जी सुनाना? दो लाइनें सुना देता हूँ. एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को पसंद आएगा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. अभी जो गानों में जिस तरह की तब्दीली आ रही है, एक तरफ आपने बताया कि रफी साहब और किशोर के आप गाने गाते रहे हैं या पसंद करते हैं, और आजकल इन सालों में जिस तरह के गाने आ रहे हैं, तो किस तरह का बदलाव, चाहे वो मीनिंग के लिहाज से देखें या गाने के हिसाब से, किस तरह का बदलाव आप महसूस करते हैं? देखिए, बदलाव ये है कि जो आजकल का जो म्यूजिक है, ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में म्यूजिक अच्छा नहीं बन रहा है. अभी भी बहुत से अच्छे गाने बनते हैं, अच्छा म्यूजिक आता है. लेकिन ज्यादा करके, एक तो जो आपने बोला कि लिरिक्स जो होती हैं, जो लिखते थे पहले, उनमें जो एक मीनिंग होता था, एक मैसेज होता था, सिर्फ गाना गाना नहीं होता था, उसके थ्रू एक बहुत अच्छा संदेश भी जाता था, उसकी एक तो मैं कमी थोड़ी सी आज की म्यूजिक में पाता हूँ. दूसरा, एक जो थोड़ा सा पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम चले गए, जो कानफोड़ू संगीत जो आजकल होता है, वो पुराने संगीत से बहुत भिन्न है. क्योंकि पुराने जमाने में अगर आप देखिए, आर डी बर्मन साहब के आप बढ़िया गाने सुनेंगे, जो थोड़े से पैपी नंबर्स होते थे या डिस्को सॉन्ग्स होते थे, तो वो भी मतलब उसमें भी एक मेलोडी होती थी, वो भी एक कर्णप्रिय लगता था. आजकल कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उन चीजों का थोड़ा सा अभाव है, और उस पर हमारे जो दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, फिल्मकारों को भी, उस पर कुछ काम अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा. मैं उनके लिए बोलने के लिए बहुत छोटा हूँ, पर एक मैसेज मैं दे सकता हूँ आपके थ्रू. आप जो गाते हैं उसमें किस तरह का ध्यान रखते हैं गानों के सिलेक्शन में, भाई इस तरह के गाने आप गाएंगे, इस तरह के गानों से बचेंगे? जी देखिए, जब हम स्टेज शो करते हैं तो नेचुरली हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर सभी तरह के गानों का समावेश हो. उसमें हम कुछ एक दो नए नगमे भी रखते हैं जो कि अच्छे वाले गाने होते हैं, जिनकी कंपोजिशन अच्छी हैं. और रिट्रो में भी हम लोग जो है उसमें हर तरह का गाना रखते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स भी रखते हैं और जो मस्ती वाले सॉन्ग्स हैं वो भी रखते हैं. तो और ये ध्यान रखते हैं कि जो भी सॉन्ग रखें वो कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप हो, इस बात का खास ध्यान रखते हैं, और उसी तरीके से अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, इसीलिए लोगों को शायद पसंद आता है. आप दंत चिकित्सक भी हैं और साथ के साथ गायक भी. एक तरफ आपका जो पेशा है चिकित्सक का वो बहुत संजीदगी लिए हुए होता है, और दूसरी तरफ एज ए गायक आप थोड़ा हल्का फुल्का बने रहते हैं. जी, दोनों भूमिकाओं को निभाते वक्त कभी आपको ऐसा लगा हो कि एक तरफ पूरी तरह संजीदा आपको रहना है और दूसरी तरफ बिल्कुल एक अलग मोड में रहना है, तो कभी लगता है कि दोनों भूमिकाओं में कहीं ना कहीं कोई टकराहट या कोई चीज दोनों को मैनेज करना? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे गायक हैं. दूसरा, मेरे जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो और मेरी पत्नी, मेरे घर के मेंबर्स सब मुझे कहते हैं कि पता नहीं जब मैं स्टेज पर जाता हूं तो मैं एकदम से एक ट्रांसफॉर्म हो जाता हूं और एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आती है. तो वो प्रभाव हो सकता है कि जो पैशन है, क्योंकि जब हम स्टेज पर हैं उस वक्त एक अलग ही भूमिका है और हमें लोगों का दिल जीतना है और लोगों को एंटरटेन करना है, तो उस वक्त वो भूमिका में आ जाते हैं. और जब अपना डेंटिस्ट्री करते हैं तो नेचुरली उस वक्त हमें गंभीर होना ही है, क्योंकि हमें दर्द दूर करना है, मरीज की परेशानी दूर करनी. दोनों भूमिकाओं को अच्छे से अभी तक निर्वाह किया है. आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं, आप किस तरह अपने समाज सेवा से जुड़े हुए कामों को अंजाम दे रहे हैं? जी, हमने कुछ मित्रों ने मिलकर के आज से करीब 6 साल पूर्व हमने एक सोसाइटी बनाई थी, हेल्दी स्मेल्स ग्रुप सोसाइटी के नाम से. जब मैं पहले इंडियन डेंटल एसोसिएशन में भी रहा और मैं वहाँ पे अध्यक्ष रहा और उपाध्यक्ष भी रहा स्टेट ब्रांच का और जयपुर ब्रांच का, तो हमने अपनी एसोसिएशन के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत काम किया चिकित्सा के क्षेत्र में. उसके बाद जब मैं वहाँ से एक तरह से मैं जब कमेटी से हमने छोड़ दिया और अब जब हम बाहर हैं,
तो अब हम लोगों ने जो है एक अपनी सोसाइटी डेवलप करी और उस सोसाइटी के थ्रू हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। उसमें हम फ्री कैंप्स लगाते हैं जिसके अंदर की छोटे से लेकर बड़े कैंप्स लगाते हैं, एक स्पेशलिटी से लेकर के मल्टी स्पेशलिटी, और उसके अंदर हम लोग फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, उसमें हम फ्री टेस्ट भी कराते हैं और दांतों के अलावा बाकी भी जो हमारे संघ हमारी सोसाइटी को काफी रिकॉग्निशन मिला, अच्छा काम किया। तो हमारे संघ कई क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे संग जुड़े हुए हैं, उनका हमें सहयोग मिलता रहता है और हम छोटे बड़े हर तरह के कैंप्स लगाते रहते हैं। जाते जाते हम फिर ये चाहेंगे कि एक और कोई किसी गाने का मुखड़ा आप सुनाए, क्योंकि आपके साथ जो जिस तरह की खूबी जुड़ी हुई है कि आप दांत भी चमकाते हैं, गा के दिल भी चमकाते हैं और साथ के साथ समाज सेवा से जुड़ के समाज को भी चमकाने का काम आपका। जी जी, तो कोई किसी एक गाने का मुखड़ा फिर से आप बिल्कुल एक मुखड़ा और सुना देता हूँ। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। बहुत खूब थैंक यू सो मच। वक्त का तकाजा है डॉक्टर साहब कि आप अब हमें अपनी बातचीत यही रोकनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और अपने गायन के बारे में, अपने एज ए डेंटिस्ट आप जो सेवाएं दे रहे हैं, समाज सेवी के रूप में आप जो सेवाएं दे रहे हैं, उन सब पे रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। कलांजलि में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे साहित्यिक गतिविधियों के साथ। तब तक बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।